रहे हैं, लिब हम कहा लिब लिबाएंगे। एक मिनट चुप, अजब बात। हेलो, पूछिए ना भाई, ऐसा मत कीजिए, हाथ लगाइए, आप हाथ मत लगाइए ना, आप तो हम चुप ना हैं। अब जब हाथ लगा लगा नाम, आप कौन आइटम मंगवाए हैं? आप एक नंबर मंगाए हैं, कहां है आइटम, हमको दिखाई तो चली। तो एक नंबर आया तो खप गया है, जो लगा है मतलब एक नंबर आया तो खप गया, बाकी जो बचा हुआ है सो आपने मंगाया। किस किस के हाथ लगाई फोन अभी उसको हमारे सामने, अभी फोन मेरे सामने, आप मेरे सामने फोन लगा दीजिए ना, लगा देंगे। हमारा पास है इनका भटेदार, क्या लगाइए अभी फोन, अभी रुकिए यहीं पे आप, लगाइए तो फोन। पूछिए तो कितना नंबर आइटम मंगा रहा है, ये एक नंबर है, ये तो आधा ऐसा ही डैमेज लग रहा है, एक नंबर ईटा है, यहीं पे तो गिरा हुआ है सामने ही मुंशी जी। कई नंबर ईटा है, आप औरंगाबाद से आकर गया, मैं लूट के चल जाइएगा, हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे, साथ रहेंगे, हम नहीं करने देंगे ऐसा, हम ना करेंगे, नहीं करेंगे तो आप तो कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इसको वापस करवाइए आप, वापस कर लाइए, इंजीनियर का नंबर लाइए, इंजीनियर का नंबर लाइए, वापस कर, नहीं आप इंजीनियर का नंबर लाइए हमको, अच्छा कब वापस कब होगा, कल करा देंगे उसको, कल आप वापस कराइए, आप सब एक नंबर आइटम मंगाइए, अगर हम आज आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब एक नंबर लगाए, कौन जानता है इसमें भी आप तीन नंबर लगाए होंगे, अरे सब लूटते हैं ये लोग, आपको क्या पता है, मुंशी से लेकर ठेकेदार तक चोर होता है, मुंह पर हम बोल के जा रहे हैं, खाए अपना बच्चा लगा के कसम की ईमानदारी से काम करते हैं, दम लोहा धरा दीजिए, लोहा का अपना बच्चा कसम खाइए ना, अपना बेटा का कसम, हमको कोई बच्चा का कसम खाएंगे, अरे आप लोग कसम भी खा लेंगे, छोड़िए, आप ठेकेदार साहब को बोल के मुंशी जी ईटा वापस करवाइए, आप उसको वापस करवाइए, आप ईटा गाहे खराब गिराएगा ये गाड़ी, टोटल जाँच का मांग होना चाहिए, टोटल दो नंबर ईटा लगा, एक भी रुपया नहीं भजना चाहिए, जो भी ईटा गलत है सब हटवाइए इसको आज के आज, आप ठीक है, और मैं जिलाधिकारी या वरीय अधिकारी से मांग करूंगा कि पूरा जांच होना चाहिए, इन लोग का संपत्ति का भी जांच होना चाहिए, ठेकेदार का संपत्ति का जांच होना चाहिए यहाँ पे, नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर, अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और गया फतेहपुर सड़क मार्ग के बगल में स्थित एक यहाँ पे बिजली विभाग की ऑफिस है, और बगल में जो है वो चार दीवारी का निर्माण हो रहा है, यूँ कहें तो पावर सब स्टेशन है और इसके बगल में चार दीवारी का निर्माण हो रहा है, कई बार सूचना मिला है कि चार दीवारी में काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हालांकि हम यहां पर आए पड़ताल करने तो सबसे पहले मैं वो बोर्ड खोजा जिस बोर्ड पे जो है वो रेशियो लिखा होता है, कितना पैसा आता है आया है काम के लिए वो लिखा होता है, वो कुछ नहीं दिखा, लेकिन बगल में ईंट रखा हुआ है और कई लोगों ने ये बताया मुझे कि ईंट जो है वो डुप्लीकेट है, थोड़ा आगे आ जाएंगे कैमरामैन, थोड़ा आप दो ईंट को आपस में टकरा कर थोड़ा देखेंगे, देखिए अभी ईंट का जो क्वालिटी है वो चेक कर लिया जाएगा, मुंशी जी कहाँ हैं, मुंशी जी को बुलाइए, देखिए बोल रहे हैं कि एक नंबर ईटा, टकराइए थोड़ा सा, ये देखिए आप थोड़ा एक बार धीरे से भी टकरा के थोड़ा देख लीजिए, आ जाइए मुंशी जी, आ जाइए इधर, ये ईट का क्वालिटी चेक हो रहा है कि ईट कितना नंबर है, ये देखिए ये एक नंबर ईट है, हम ना थे सर तो गलती से गाड़ी वाला भेज दिया होगा सर, अभी अभी आप उठाइए तो दो, आप अपने से दो ईट उठाइए, टोटल ना आप अपने से दो ईट उठाइए ना मुंशी जी, जो है सर देख रहे हैं, इधर आइए आप, क्या नाम हुआ आपका, चुनू कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप, हम तो औरंगाबाद, इधर आइए, ईमानदारी से काम करते हैं, हम तो ईमानदारी से करते हैं, बाल बच्चा है, एकदम है सर, गलत करेंगे तो बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हम काहे गलत करेंगे, हमको क्या इससे मिलेगा, ईट तीन नंबर है कि नहीं, पहले गलती से गिरा दिया होगा क्या, तो तीन नंबर नहीं है सर, तो क्या नंबर है, एक नंबर के हम पैसा दिए हैं, वो आ गया होगा, भेज दिया होगा, हम कल नहीं थे साइड पर, देखिए जब चोरी पकड़ा जाता है मुंशी जी तो भारी लोग यही बोलता है, समझ गए ना, कुछ नहीं आया, मेरा लेबर सब कल नहीं थे, तो आप कौन, अब अच्छा एक मिनट छोड़िए, आप कौन आइटम मंगवाए हैं, आप एक नंबर मंगाए, कहाँ है आइटम, हमको दिखाई तो चली, तो एक नंबर आया तो खप गया है, जो लगा है मतलब एक नंबर आया तो खप गया, बाकी जो बचा हुआ है सो आपने मंगाया, अथी के सोलिंग के लिए लाए थे, सोलिंग के लिए नीचे बच रहा है, कहीं कहीं भरा अथी लगाने के लिए, सारा ईट जो लगाए सब एक नंबर लगाए हैं सर, हम तो एक नंबर को दिए हैं, भेज दिया है गाड़ी सोलिंग लगाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, एक हमको बात बताइए, इतना तो धरती पर कोई इंसान नहीं कि पैसा देगा एक नंबर का काम, सुने पहले सुन लीजिए, आप स्वेटर खरीदने गए थे ना जी, जी, जी पैसा इसका दिए होंगे ना, अगर डुप्लीकेट देगा तो आप क्या कीजिएगा उसके साथ, ना उसको जोकी के लिए हाँ, दे दिया है डुप्लीकेट, आप छोड़ दिए होंगे, पैसा डुप्लीकेट वाला दिए होंगे, ये दिए नहीं एक नंबर के, देखिए आप कपड़ा अपना पहनिए डुप्लीकेट चलेगा, लेकिन पहले सुन लीजिए आप मुंशी जी, आप अपना कपड़ा डुप्लीकेट पहनिए, चाहे आप डुप्लीकेट रहिए उसमें फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर काम डुप्लीकेट होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझ गए ना, आप औरंगाबाद से आकर गया, मैं लूट कर चल जाइएगा, हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे, साथ रहेंगे, हम नहीं करने देंगे ऐसा, हम ना करेंगे, नहीं करेंगे तो आप तो कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इसको वापस करवाइए, आप वापस कर लाइए, इंजीनियर का नंबर लाइए, इंजीनियर का नंबर लाइए, वापस कर, नहीं आप इंजीनियर का नंबर लाइए, हमको दे देते हैं, लाइए दीजिए आप हमको, बोर्ड कहा नहीं लगाया यहाँ पे, हाँ बोर्ड ना लगाए, नहीं लाइए ना, इंजीनियर का नंबर लाइए ना, राशि का आवंटन है क्या है, इंजीनियर का नंबर लाइए आप अपना,
इंजीनियर साहब आते हैं डेली? एकदम आज भी आए थे, गए जांच करके गए, उनको नहीं दिखा के यहाँ पे तीन नंबर ईट है, नंबर लाइए ना, हम लाइए ना, अच्छा नंबर लाइए ना, देते हैं नंबर, दे रहे हैं सर। कितना देरी में दे रहे हैं? पांच मिनट निकाल के सिर्फ कोना में जाके बताइएगा उनसे, बताइए सेटिंग होने वाला हम लोग से नहीं है, हम सेटिंग की बात। आप चलिए मेरे सामने नंबर निकाल के दीजिए, इधर आइए आप। यहाँ पे जो काम चल रहा है चार दीवारी के निर्माण का, और यहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पगल गांव का पकड़ी। तो आपके घर के बगल में नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मान लिया जाए कि आपका अगर घर बनेगा इस तरह से लापरवाही, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं भाई, तो आप लोग को देखना चाहिए ना, ये आपका चीज है ना। सही बात, किसी का सरकारी संपत्ति नहीं है, ये आपका चीज है। आप यहाँ पे अगल बगल में रहेंगे, अगर बाउंड्री खराब रहेगा, कल बच्चा आपका खेलते रहेगा, बाउंड्री टूट के गिर के दब के मर जाएगा, कौन रिस्क लेगा? औरंगाबाद से ये लोग आएंगे, ठेकेदार आके देखेंगे आपको, कुछ करेंगे? सही बात। लाई लाई मिला नंबर, ऐसा ही रखो, इधर आओ। वहां पे भी देखिए बहुत सारा ईट रखा हुआ है, ठेकेदार साहब को फोन लगा रहे हैं, ठेकेदार साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं कोई खबर कर दिया होगा कि मीडिया वाला आपको फोन करेगा, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बिहार में सरकारी काम हो और भ्रष्टाचार ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है, बिना लूटे मान ही नहीं सकते हैं। कहाँ पे कितना का ये फंडिंग है, कितना का क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इधर। ये स्थिति है पूरे बिहार की। आखिर बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हर चीज़ में होता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। अगर कोई बिल्डिंग बनने के लिए आया तो वहाँ भी इस तरह का फंडा होता है। यहाँ पर चार दीवारी का निर्माण होना है, यहाँ भी भ्रष्टाचार पूरे बड़े पैमाने पर है। तीन नंबर का ईंट लगाया जा रहा है, एक नंबर का पैसा भंजाया जा रहा है। तो ये कब तक यहाँ लापरवाही चलेगी? यहाँ पे जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बारे में सीधे जिलाधिकारी को फोन लगाया जा रहा है और लगाकर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, मैं फतेहपुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। यहाँ पे एक गया फतेहपुर सड़क मार्ग पे यहाँ एक बिजली ऑफिस है, इसके बगल में चार दीवारी का निर्माण हो रहा है सर, और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पे बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि कितना का फंडिंग है, कैसे काम हो रहा है, और ईटा तीन नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ से काची, कौन मत से काम हो रहा है? कौन मत से काम हो रहा है यहाँ पे, कौन मत से काम हो रहा है? बिजली विभाग का बाउंड्री हो रहा है। बिजली विभाग का हो रहा है, हाँ। इसको थोड़ा जांच करवा लें सर अपने स्तर से, आप थोड़ा ये कंप्लेन लिख लेंगे, थोड़ा डीएम साहब को अवगत करा देंगे सर। ठीक है सर, चलिए। जिलाधिकारी कार्यालय में फोन करके कंप्लेन लिखा दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत कुमार। अच्छा, यहाँ पे किस मद से जो है वो चार दीवार का निर्माण हो रहा है, पता है आपको? हाँ पता है, बिजली विभाग का ये ठेका होता है, टेंडर। क्या लग रहा है, सही से काम हो रहा है? नहीं, काम सही से तो नहीं हो रहा है, जितना भी ईटा लगा है। हम पहले भी इधर से आते जाते रहते थे तो देखे थे, तो हमने बताया था कि ये जो ईटा लग रहा है भाई, दो से तीन नंबर का ईटा। इसके लिए हम कुछ लोगों से बातचीत भी किए, तो कुछ लोग बोले कि भाई ग्रामीण परिवेश में जैसे काम हो रहा है तो जो हो रहा है होने दो, माने लूट रहा है तो लूटने दो। हाँ, हम जब बोले उनको तो बोले कि चलो अपने ही काम हो रहा है तो होने दो, ये छपैया हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उनसे बोले कि जब कोई पैसा आवंटन किया है सरकार, तो जिस विभाग ने आवंटन किया है तो उन्होंने एक लेटर जारी करता है कि इसमें ये मटेरियल जो है इस क्वालिटी का इसमें यूज करना है, यहाँ बोर्ड भी वहाँ लगाना चाहिए। कितना का ठेका है ये भी पूरा जो देता है लिस्ट, उसको लिस्ट को एक बोर्ड बना करके लगाना पड़ता है। अच्छा, अभी आप जांच के लिए किनसे मांग करते हैं? आप जांच करने के लिए मुख्य रूप से हम अपना माननीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, यहाँ के कुछ अगर ग्रामीण जो पदासीन नेता हैं जो पद पे हैं, चाहे ये नहीं कि फतेहपुर पंचायत का ही कोई है तो वही मांग करे, यहाँ तक कि पूरे ये प्रखंड का है, इससे टनकुपा प्रखंड में भी जाता है बिजली। मुख्य रूप से आप मानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? पूरा का पूरा है, तो इस पर जांच होना चाहिए ना। कम से कम ईट तो यहाँ का कोई भी आदमी देख करके बता सकता है कि ये ईट तीन नंबर का है, बाकी जो भी चीज है ठीक है, चलते चलिए मानते हैं। जिंदल के है, श्याम के छड़ है, जिंदल और श्याम का छड़ है, ईटा डुप्लीकेट है मुंशी जी, तो कैसे काम चलेगा? छड़ आपका बढ़िया, ईटा भी हम एक नंबर दे रहे हैं, कब दे रहे हैं बताइए वहाँ पे? अच्छा, कब वापस कब होगा? कल करा देंगे उसको, कल आप वापस कराइए, आप सब एक नंबर ईटा मंगाइए। अगर हम आज आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं सब एक नंबर लगाए, कौन जानता है इसमें भी आप तीन नंबर लगाए होंगे? देते हैं
कल मंगाते सारा वापस करवाइए सब टूट। इंजीनियर साहब को कितना पैसा दिए हैं? कुछ नहीं हम देते हैं। नहीं देने का बात है? एकदम नहीं देते हैं। आपका बिल पास हो जाएगा? नहीं जी, आपका बिल पास हो जाएगा? हम देबे नहीं करते। आपका बिल पास हो जाएगा? चर्चे नहीं उठता। आपका बिल पास हो जाएगा? एकदम ना चर्चा करते हैं हम। आपका बिल पास हो जाएगा? हम क्या बोलेंगे? हम क्या अपने मन से बोल रहे हैं? पूरा बिहार जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि बिना इंजीनियर को पैसा दिए काम नहीं चलेगा आप लोग का। ईमानदारी से आप लोग काम कीजिएगा। कह दीजिएगा ठेकेदार साहब को जितना भ्रष्टाचार करेंगे बाल बच्चा पर असर पड़ेगा, और आप करिएगा तो आपके ऊपर भी पड़ेगा। समझ गए ना? फायदा मिलेगा आपका बच्चा पर असर पड़ेगा, आपका बच्चा पर बता दे रहे हैं। अगर अरे सब लूटते हैं ये लोग, आपको क्या पता है? मुंशी से लेकर ठेकेदार तक चोर होता है, मुंह पर हम बोल के जा रहे हैं। अच्छा, खाए अपना बच्चा लगा के कसम की ईमानदारी से काम करते हैं। दम लोहा धरा दीजिए, लोहा का अपना बच्चा कसम खाइए ना अपना बेटा का। कसम हमको कोई बच्चा का कसम खाएंगे? अरे आप लोग कसम भी खा लेंगे, छोड़िए। आप ठेकेदार साहब को बोल के मुंशी जी ईटा वापस करवाइए, आप उसको वापस करवाइए आप ईटा। बोलिए ये सब जो ईटा लगा ले दिया है अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम कुछ दिन पहले अभी किए हैं। नंबर है आप तो आप जो देखिए आप मुंशी जी आप कितना दिन पहले आए हैं? हमको एक महीना हुआ है। कितना दिन से काम लगा है? एक महीना पहले से हुआ है। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम एक नंबर दिए हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम है नहीं थे। अभी हुआ है, अभी ये अभी बना है, अभी ईटा आया है सर। हम कल नहीं थे। अच्छा टोटल ईटा एक नंबर वाला ईटा कहाँ है? एक नंबर वाला ईटा जो कहाँ है आप बताइए। इसको इसको उठाइए तो इसको 17,000 ये तो आधा ऐसा ही डैमेज लग रहा है। एक नंबर ईटा है, यहीं पे तो गिरा हुआ है सामने ही मुंशी जी। तो तीन बार कोची बार बार कहते हैं कौन है किसके यहाँ सीट लगाई फोन? अभी उसको हमारे सामने अभी फोन मेरे सामने, आप मेरे सामने फोन लगा दीजिए ना। लगा देंगे, हमारा पास है इनका भटेदार क्या। लगाइए अभी फोन, अभी रुकिए यहीं पे आप। लगाइए तो फोन, पूछिए तो कितना नंबर ईटा मंगा रहा है। से रखिए आप, मोबाइल सीधा रखिए, चुप रहिए। कहिए कि एक नंबर ईटा का पैसा दिया दो दिन में? चुप रहिए, हम दिए हैं तो आप चुप रहिए ना अभी। आप साइड पर आप ऐसा धम ये कर रहे हैं भैया, आप चुप रहिए ना आप। अच्छा बात करने दीजिए ना, हम कहे लिबलिबाएंगे। एक मिनट चुप। अजब हेलो पूछिए ना भाई, ऐसा मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए ना आप। हम चुप ना हैं मुझे। अब जब बात की हाथ का लगा नाम चुप चुप है कह रहे हैं पावर हाउस वाला बाउंड्री में ईटवा और ले तोरे दर से ले लो का। हां कै नंबर ईटा बोल रहे हैं मुंशी जी आप जबरदस्ती बोलते हैं। सुन गया ना इनका बात, इसीलिए आपको बोला रहे थे चुप रहिए। ये गाड़ी छोड़िए आप, सुनिए 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 मुंशी जी आप चिल्ला लीजिए, आपका जांच करवाएंगे पूरा, ठीक है? काम बंद हो जाएगा आपका, बता दे रहे हैं। आपको काम है तो वो कैसे बोलते हैं ठीक है? अभी कैसे बोला ईटा भट्टा मालिक दो नंबर हम ईटा दिए हैं, आप जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती हम लोग अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। अरे आपको ठेकेदार राजा बना देगा तो क्यों आप ऐसे बेमानी कर रहे हैं? क्यों बेमानी कर रहे हैं आप? तो फिर फोन लगा रहे थे नहीं आप जो इसीलिए तो सुन मुंह चुप कर रहे हैं। चलिए ना, अरे हमको आपसे हमारा जमीन जोते हुए हैं आप मुंशी जी। गाड़ी खराब गिराया, खराब गिराएगा ये गाड़ी? टोटल जांच का मांग होना चाहिए, टोटल दो नंबर ईटा लगा, एक भी रुपया नहीं भजना चाहिए। जो भी ईटा गलत है सब हटवाइए इसको आज के आज आप, ठीक है? और मैं जिलाधिकारी या वरीय अधिकारी से मांग करूंगा कि पूरा जांच होना चाहिए, इन लोग के संपत्ति का भी जांच होना चाहिए, ठेकेदार का संपत्ति का जांच होना चाहिए। यहाँ पे नहीं होने पे जितने भी प्रखंड के नेता है, नेता लोग तो सब चोर है, सबको पैसा देते हैं, बताते हैं। जैसे श्वेता सिंह बैठी हुई थी धरना पे, उसी तरह से सारे लोग को यहाँ धरना पे बिठाएंगे, पूरे प्रखंड के जितने लोग हैं सबको इसके लिए हड़ताल करवा देंगे। आज तक कोई नेता नहीं बैठा है हड़ताल पे, एक नेता है उसका सपोर्ट में कोई नहीं आया। और पूरा जितना भी ठेकेदार और इंजीनियर है इसका सबका संपत्ति का भी पहले जांच होना चाहिए। इन लोग लूट मचा के रखा है पूरा, और जब तक कोई आवाज उठाएगा नहीं तब तक ऐसे ही भ्रष्टाचार पूरा होता रहेगा। पूरा यहाँ गाँव के लोग मुंह देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं सब। ये लोग लगता है बाराती में आए हैं हमारे, ये सब इन लोग को बोलने का हिम्मत नहीं है इन लोग का। इनके घर का अगर काम होता तो सबका मुंह खुलता, सरकारी काम है तो किसी बाप का काम नहीं हो रहा है। बाकी हम आग्रह करेंगे सभी अधिकारी से आकर यहाँ पर जांच करें, और जांच करके जो भी अगर गलत है सब पर कार्रवाई होना चाहिए, और सबकी संपत्ति भी जांच होना चाहिए। धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़, और मैं हूँ समर राठौर।